सत वर्ष परे पुणि फेरिला हॉकी इंडिया लीग पुणि थरे आरंभ हेबो हॉकीर एही सम्मानजनक टूर्नामेंट आसंता डिसेंबर 28 तारीख रु फेब्रुआरी 1 तारीख पर्यंत चलिबो हॉकी इंडिया लीग रो 2024-25 सीजन एथिपाई आसंता 13 रु 15 तारीख रे दिल्ली रे हेबो खेलाळी नीलामी एथर एचआईएल रे पुरुष वर्ग रे 8टी टीम शामिल होइथिबा बेले महिला वर्ग रे 6टी टीम खेलिबे ओडिसा रो राउरकेला रे पुरुष ओ झारखंड रो रांची रे खेलाजिबो महिला लीग रो सबु मैच पुरुष वर्ग रे 8टी जक टीम को विभिन्न फ्रांचाइज किडी सारी छंती सेहिपरि महिला वर्ग रे 4टी टीम घोषणा होईछि आउ दुईटी दल परे घोषणा करा जिवो ओडिसा रो उभय महिला ओ पुरुष टीम रहबे ओडिसा रो पुरुष टीम को वेदांत लिमिटेड किनिथिबा बेले महिला वर्ग रे नवोयम स्पोर्ट्स पुरुष वर्ग रे ओडिसा व्यतीत चेन्नई लखनऊ पंजाब हरियाणा वेस्ट बेंगल दिल्ली हैदराबाद एवं रांची दल रहिछि सेहिपरि महिला वर्ग रे हरियाणा वेस्ट बेंगल दिल्ली ओडिसा समेत आउ दुईटी दल रहिबे प्रति दल रे रहिबे 24 जन खेलाळी एमानक मध्यरे 16 जन भारतीय एवं 8 जन विदेशी खेलाळी रहिबे डिसेंबर 28 तारीख रे राउरकेला बिरसाउंडा स्टेडियम रे हॉकी इंडिया लीग रो आसंता संस्करण रो उद्घाटन समारोह हेबो आउ 1 तारीख रे एठारे पुरुष टीम रो फाइनल खेला जिवो सेपरि महिला लीग रो फाइनल जनवरी 26 रे रांची रे खेला जिवो लीग काफी इम्पोर्टेंट है फ्यूचर जनरेशन के लिए स्पेशली यूथ खिलाड़ियों के लिए यूथ प्लेयर्स और यूथ अपकमिंग कोचों के लिए भी और जहां हॉकी इंडिया के लिए बात करें हम इसमें 15 टॉप कंट्री के प्लेयर्स आ रहे हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा FIH प्रेसिडेंट तैयब जी को तो हॉकी इंडिया लीग के लिए 5 साल तक उन लोग दिए हैं और इस बार मेंस 8 टीम्स वुमेन्स 6 टीम पार्टिसिपेट करने जा रहे 2 भेन्यू में मैच होने जा रहा है राउरकेला और रांची मेंस राउरकेला में वुमेन्स रांची में दोनों लीग हम साथ में करा रहे हैं महिला भी और पुरुष भी तो महिला काफ़ी हम काफ़ी ध्यान दे रहे हैं ताकि जो अपकमिंग हमारे जो जूनियर लेवल के गर्ल्स हैं उनको एक्सपोजर मिले ताकि फ्यूचर में और बेटर कर पाएं और अगर हम बात करें जो पुरानी हमारी हॉकी इंडिया लीग थी जो मेरा एक्सपीरियंस था हमें बहुत कम मौका मिलता था जो वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर हैं उनके साथ खेलने का और हम उनको नॉर्मली फेस करते थे वर्ल्ड कप ओलंपिक जैसे मैचेस में बट उनके साथ रह के मैंने पर्सनली क्योंकि मेरे फेवरेट प्लेयर होते थे जेमी डॉयर तो उनको मैं देखता था तो वो लीग में अपने आप को कैसे फिट रखते हैं मैच से पहले अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पर्सनली अपने आप को डेवलप करने में मैंने उनसे सीखा है और उसके बाद अभी जो करंटली टीम की अगर हम बात करें मनदीप हरमनप्रीत बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो हमें उस लीग से मिले हैं तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है और जितनी भी फ्रेंचाइज हैं जो लोग आगे हैं हॉकी में हॉकी को डेवलप करने में और ये एक बहुत अच्छी बात है दोबारा हॉकी इंडिया लीग हमारी शुरू होने जा रही है जिससे हमें और ज़्यादा यंगस्टर्स और आने वाली जो हमारी ओलंपिक है जो अच्छे टूर्नामेंट्स हैं उसके लिए हमें एक अच्छे यंगस्टर्स और अच्छा लॉट हमें मिलेगा संबित महापात्र क्रीड़ा समीक्षक अधिक आलोचना पर आम सह रही श्रुत महापात्र ओटीवी को स्वागत श्रुत महापात्र 7 वर्ष पर फेरुची एचआईएल आपणा को किभली देखुछंती कारण गोटे पटे हॉकी को प्रोत्साहन अन्य पटे विदेशी एवं अभिज्ञ खेलाड़ी सहित खेलबार सुयोग मिलिबो ता सहित अनेक नुवा जो माने दक्षता थिबा क्रीडाबित रहिछंती जो प्रतिभा रहिछंती से माने भी सामना को आसी पारिबे निहारी भावे एक सुखद दिन मुझे कहि भारतीय हॉकी रो अत्यंत आनंददायक दिन आमे जानि छि मास हला जे क्रिया आरंभ हो आनुष्ठानिक घोषणा ये सब बड़े एक बड़ पदक्षेप देखो जो कथा पद्मश्री दिलीप तिर्के कहते कि समय पूर्व संपूर्ण भाव एकमत देखो ये लीग जो 7 वर्ष ते शेष होता 2017 हॉकी इंडिया लीग ही भारतीय हॉकी को पुरुष हॉकी कथा कहले जो विदेश जो टॉप दल ऑस्ट्रेलिया बेल्जियम नेदरलैंड्स एवं अर्जेंटीना एमानको सहित आम खेल मानक जो दूरत्व थिला जो फांग थिला जो तफात थिला ताकु दूर करिबारे सहायक होइतिला विश्वर श्रेष्ठ मानक सहित खेलबि जदि आपण कहिबे आईपीएल भारतीय क्रिकेट को जेको ऐतिहासिक परिवर्तन सहित मोड़ प्रदान करथिला समान कथा
ଘଟାଇଥିଲା ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍। ଆମେ ଏକାଧିକ ଖେଳାଳି ଯେମିତି ଦିଲୀପ କହୁଥିଲେ ଯୁବ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର କଥା, ଅନେକ ଖେଳାଳି ବାହାରିଥିଲେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍। ତା ସହିତ ଏକାଠି ବିଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବଡ କଥା କ'ଣ ହେଲା, ଭୟ ଦୂର ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ସ୍କିଲ୍ ଆମ ଖେଳାଳି ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଶକ୍ତି ଜାଣିପାରିଲେ, ତେଣୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସେଇ ଦଳମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଲା ଆଉ ଭୟ ରହିଲା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ହକି ପ୍ରତିଭା ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦେଖିବା ମହିଳା ଟିମ୍ ହଉ ବା ପୁରୁଷ ଟିମ୍, ଆମର ଆଶା ବା ଓଡ଼ିଶା ଚାହୁଁଛି ଅଧିକ ଖେଳାଳି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟିମ୍ରେ, ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଭୟ ଟିମ୍ ରହିବେ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ, ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ବଡ ସୁଯୋଗ ଦେବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବାକୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲାଇନ୍ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେ ମହିଳା ଲିଗ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, 6ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଇଏ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳକୁ ଏକ ମୋଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯୋଉ ଟିକିଏ ଦୂରତ୍ୱ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ତାରକାମାନେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଟପ୍ ଦଳମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୂରତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସକୁ ଏଥର କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିନଥିଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ସକାଶେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର କଥା କହିଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା, ମୁଁ କହିବି ଯେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଦଳରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି କେମିତି ନିଲାମରେ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଏକାଦଶରେ ସାମିଲ ହେଇକି ବା ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ତାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାର କଥା ରହିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ଇଏ ଏକ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି, ଶିଳାନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୀପ୍ସାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁଦୀପ ଶିର୍ମାକୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛେ ଭାରତୀୟ ସିନିୟର ଦଳ ସକାଶେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫେରିବାର ବାଟ ବନିବ ଏଇ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍। ଅନେକ ଅନେକ ନୂଆ ତାରକା ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉମାନେ କି ଚମକିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍, ରାଜ୍ୟରୁ ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ଖେଳି ଅଭିଜ୍ଞତା ସାଉଣ୍ଟିବେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଭା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସମ୍ବିତ ମହାପାତ୍ର, କ୍ରୀଡ଼ା ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।